वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड़ मीण मोसुद केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे अनंतधर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिता। जिन शासन एक अनुभवशाला, जिन शासन एक प्रयोगशाला, जिन शासन एक विराट सागर जिसमें कुछ एक अनुभवियों के द्वारा शुद्धात्मा को प्रकट करने के विधि की कुछ चर्चा जिसके माध्यम से आई है, ऐसे शब्दों का सागर जिन शासन। ये प्रयोगशाला इसलिए है क्योंकि प्राप्त सामग्री द्रव्य श्रुत है, श्रुत स्कंद कुछ एक शब्द है, उसे तर्क युक्ति रूप रसायन के द्वारा अनुभूति की कसौटी पर कसकर उसको सत्य प्रतीत कराना है। हमारी प्रतीति में ये सब सत्य भासित हो, इसलिए जिन शासन एक अनुभवशाला है, एक प्रयोगशाला है। अपनी आजीविका की समस्या से ग्रस्त कोई एक वेश्या अपना भाग्य आजमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए आज राज दरबार में चली गई है अपने सब साथी मंडलियों को लेकर, और नाचते नाचते पूरी रात बीत गई, लेकिन फिर भी एक भी पैसा नहीं आया। थोड़ी ही रात बची थी, उत्साहहीन हो गई वेश्या। नाचते नाचते ये कहने लग गई, गाने के मूड में कहने लग गई अपने साथी से, रात घड़ी भर रह गई था के पिंजर आ। नटनी कहती सुन पति धीमी ताल बजाए। बुढ़ापा आ गया है, जैसे पहले होता था, अभी सब ऐसा धर्म कर्म हमसे नहीं होता, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। अभी हमसे वैसी सामयिक नहीं होती, सामयिक का तात्पर्य मेरा मन की स्थिरता की ओर है। कहते हैं ज़्यादा नींद लगती है, अभी ज़्यादा ऐसा होता है, और कुछ हुआ नहीं, जीवन भर किया लेकिन कुछ मिला नहीं। ये ऐसी ही ध्वनि बोलते हैं ये साधक लोग, जैसी ध्वनि आज उस वेश्या के मुख से आ रही है, जो ये कह रही है रात बीत गई नाचते नाचते, शरीर थक गया लेकिन अभी भी कुछ हाथ नहीं लग पा रहा है, लेकिन उत्साह को बिल्कुल भी कम ना करने के लिए साथी ने फिर प्रेरक कुछ वचन बोला। वो क्या था? बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जात।
दाव मत छूके नटनी, फल मिलने की बात। यह अंतिम घड़िया है हमारे जीवन की, इसमें तो दुगुणित त्रिगुणित उत्साह को बढ़ाकर हमको पूरा यत्न करना चाहिए। अभी मिलने की पूरी संभावना है, उपयोग को हर प्रकार से समेट कर इसमें लगाना उपादेय है। जैसे वेश्या ने ये बात कही, वेश्या के साथी ने ये बात कही और पर्याय की क्षण भंगुरता दर्शाई गाने के माध्यम से, तत्काल ही वहाँ पर सभा में बैठे हुए राजा, वजीर, राजकुमारी, राजकुमार और एक योगी जो पथभ्रष्ट हुआ था, ये पांचों को अपना अपना मार्ग मिल गया, समाधान मिल गया और पैसों की बौछार हो गई उस पर। अंतिम समय को दाव मत चूको चौहान, ये हमारा क्रीम टाइम है। मैं हमेशा कहता हूँ, जो लोग जीवन में धर्म नहीं करते हैं, वे मरण काल में बुढ़ापा आने पर, रोग ग्रसित होने पर वे धर्म को तुरंत झट से ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन कैसे हम लोग हैं, कैसे कुछ लोग हैं जो जीवन भर धर्म करके भी बुढ़ापे में गाफिल होने की सोचते हैं। यहाँ पर तो सभी पापी भी यहाँ पर आते हैं अंत समय में, और अब हम क्यों विमुख हो रहे हैं, क्यों शिथिल हो रहे हैं। जरा मौत की लघु बहिन, भूदरदास जी, जरा मौत की लघु बहिन या में संशय नाश, तू भी सुहित न चिंतवे यह अचरज जग माय। यह रोगावस्था, यह बुढ़ापा, ये मौत की छोटी बहन है, आगामी आने वाले बहुत बड़े संकट का एक संकेत करती मात्र है। ऐसा होने पर भी सुधी जन क्यों विरक्त नहीं होते, क्यों धर्म प्रवृत्ति नहीं करते, ऐसा सहज ही खेद भूदरदास जी ने व्यक्त किया है। हमारे जैन शासन में शब्दावलियों का बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। कभी कभी लोग कहते हम बुढ़ापे को काट रहे हैं। क्या कहते हैं, फिर से, बुढ़ापे को काट रहे हैं। मैं कहता हूँ, ऐसे दीनहीन पामर वचन क्यों बोलते हैं आप। जैन शासन में तो एक फल को भी काटा नहीं जाता, फल को भी सुधारा जाता है। जब फल को भी सुधारने की बात होती है, तुम बुढ़ापे को काटने की बात करते हो। ये क्रीम टाइम है सुधारने का। कभी नहीं किया वे लोग भी यहाँ पर कुछ कर लेते, साध लेते हैं, यही चला जाता है साथ में। हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। जो समझते हैं जीवन चला गया, अभी कुछ हाथ नहीं लगा, वे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत समय लगेगा, ऐसी बात नहीं है। क्या करना है, एक छोटी सी बात है, शुद्ध नय को जानना है। शुद्ध नय वियाणी ही, शुद्ध नय को जानने की बात यहां से कही जा रही है। क्या है शुद्ध नय, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। नय मतलब जो ले जाता है उसे कहते नय, नयति इति नयः। जो ले जाता है मतलब जो दिखाता है, जो शुद्ध वस्तु दिखाता है वह शुद्ध नय, जो अशुद्ध वस्तु दिखाता है वह अशुद्ध नय। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबराओ मत। नय नयति इति नयः, जो ले जाता है। नेता होता है ना, नेता, उसका भी ऐसा ही धातु से चालू होता है। नी धातु ले जाने के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर जो शुद्ध वस्तु दिखाता है वह शुद्ध नय। शुद्ध वस्तु मतलब क्या, शुद्ध वस्तु मतलब भ्रम से, अनादिकाल से जो बीवी बच्चे शरीर मकान दुकान को हम हमारा मानते आए, जो मिलावट को देखते आए, यहाँ पर शुद्ध आत्मा को अनुभव ना मतलब जो मेरा नहीं है उसको मेरा नहीं मानना, इसको कहते हैं शुद्ध आत्मा की अनुभूति।
शंका करने सहज आज एक शंका पूछ ही ली है, ये शुद्ध नहीं क्या है, शुद्ध नहीं किसे कहते हैं? 14वीं गाथा में हम प्रवेश कर रहे हैं, शुद्ध नहीं किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ। देखिए हम उत्थानिका देखते हैं, इसकी 14वीं गाथा आप सबके सामने होगी। उस शुद्ध नय को गाथा सूत्र से कहते हैं, 14वीं गाथा की यह उत्थानिका है। ये क्यों उत्थानिका आ गई वैसे? ये इसीलिए आ गई क्योंकि 13वीं गाथा में भूतार्थ नय का जिक्र हुआ था। भूतार्थ नय और शुद्ध नय ये एकार्थवाची है, इसलिए शंकाकर ये पूछ रहा है 13वीं गाथा में जो भूतार्थ नय की बात की वो शुद्ध नहीं किसे कहते हैं? थोड़ा समझना, समझना कठिन नहीं है, समय सार बिल्कुल कठिन ग्रंथ नहीं है, कठिन ग्रंथ नहीं है। और माता जी नहीं मिल रहा हो तो छोड़िए, छोड़िए, आपके पास ज्ञान है, ज्ञान समाधान कारक चीज़ है, ज्ञान को सूक्ष्मता से लगाए रखिए। देखिए दो बातें हैं, शुद्ध वस्तु किसे कहना, जो शुद्ध नय का विषय है वह। शुद्ध नय किसे कहना, जो शुद्ध वस्तु को विषय करे वह। एक का परिचय दूसरे के आधार से दिया जा रहा है और कुछ नहीं। जीव किसे कहते हैं, आत्मा को जीव कहते हैं। आत्मा किसे कहते हैं, जीव को आत्मा कहते हैं। हमारे पास इन्हें गिने दो ही तो शब्द है, यहां से वहां, वहां से यहां, वर्ड वोकेबलरी बहुत छोटी है, यह बहुत अच्छा है, भ्रमने के अवसर बहुत कम है। फिर से शुद्ध वस्तु किसे कहते हैं, शुद्ध नय के विषयभूत वस्तु को शुद्ध वस्तु कहते हैं। फिर प्रश्न, शुद्ध नय किसे कहते हैं, जो शुद्ध वस्तु का लक्ष्य करे उसे शुद्ध नय कहते हैं। ऐसी ही बात चल रही है, ऐसी बात चल रही है, घुमा फिरा कर उसी बात को बोला जा रहा है। मैंने कल भी बात कही थी, अब 10 दिन के बाद भी आएंगे आपको वही बात मिलेगी, नए शब्द मिलेंगे आपको। 6वीं गाथा में ये कहा जा रहा था शुद्ध आत्मा कैसा है, जो न प्रमत्त होता है न अप्रमत्त होता है। 7वीं गाथा में क्या कहा जा रहा था, न जो ज्ञान वाला होता है न दर्शन चरित्र वाला होता है। आज क्या कहा जाएगा, उसी शुद्ध आत्मा को आज ये कहा जाएगा, जो न बद्ध होता है न स्पृष्ट होता है, जो न अन्य रूप होता है, जो न विशेष रूप होता है, जो एक रूप ही रहता है, आदि। उसी बात को नए नए विशेषणों से समझाया जा रहा है। समझने का प्रयास करना, गाथा बहुत बढ़िया है, इसकी टीका सोने पे सुहागा है। गाथा ने टीका ने एक चमत्कार किया है, उदाहरणों के माध्यम से विषय को खूब बताने का प्रयास किया है। पहले हम गाथा देख लेते, पढ़ लेते हैं, फिर गाथा को मैं समझाता हूँ। देखिए, जो पसदियपाणम अबद्ध पुट थम अनन्यम नियदम अविशेषम संजोतम तम शुद्धनयम वियानी। उसे शुद्धने जानना, किसे शुद्धने जानना, कि जो मुझे शुद्धात्मा को दिखाए, दैट्स ऑल। शुद्धात्मा किसे कहते हैं, शुद्ध नय जिसे दिखाता है। परस्पर सापेक्ष बात की जा रही है, जो पसदियपानम मतलब जो देखता है, दैट्स ऑल। दर्शन को पूरा पसदी शब्द में समाया है। फिर से जैन दर्शन को एक शब्द में कहना हो तो पस्सदी, जो देखता है। आत्मावलोकन का यह धर्म है, जैन कहो आत्मा का दर्शन कहो, बात एक ही है। आत्मा को जानना कहो, जैनत्व कहो, बात एक ही है। जो पस्सदी, पस्सदी मतलब जो देखता है, देखने वाले का ही धर्म है।
करने धरने वाले का धर्म नहीं है। मैंने जीवन में ये किया वो किया वाले का धर्म ही नहीं है। जो पसदी, जो देखता है, क्या देखता है? आत्मा को। जो पसदी अपानम, जिन धर्म क्या है? आत्मा को देखना ही जिन धर्म है। नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ। मैं कई दफ़े हमारे बच्चों को भी इस बात को कहता हूँ। एथेंस की घटना है, शीघ्रता से बताता हूँ, कोई बहुत मतलब की नहीं है। एथेंस के एक साहित्यिक हुए हैं, कोई जानता होगा तो, सोक्रेटिस, सुकरात, दुनिया जानती है, जानना चाहिए हमको। ये सुकरात रात में 12-12 बजे, 1-1 बजे ऐसा रास्ते पर चिल्लाता घूमता था, आई एम सोल। क्या कहता था? मैं आत्मा हूँ। रात रात भर ऐसा घूमता रहता था बोलते हुए। राजा के निदर्शन में आया, ये आदमी, ये पागल, ये बेवकूफ आदमी क्या बकता फिरता है, पकड़ के लेके आओ। और उसको फिर जहर पिलाया गया, आप सब जानते हैं, जेल में उसका मरण हुआ, जो भी हो। बाद में राजा को उसको मारने के बाद ख्याल में आया, ये जो आदमी कहता था कि आई एम सोल, ये बात सही कह रहा था ये। लेकिन मारे हुए आदमी को तो फिर से लाया नहीं जा सकता। एथेंस में यदि जाने का योग बने दुर्दैव से, यही से जाते हैं ना हम ज्ञान से, हर एक मंदिर पर आपको लिखा मिलेगा आई एम सोल, मैं आत्मा हूँ। जिसने ये जाना कि मैं आत्मा हूँ, जो पश्यति अपानम, जो आत्मा को देखता है वो समग्र जैन दर्शन को देख लेता है। ये 15वीं गाथा तो बोलने ही वाली है अभी यहां पर, तो इतनी बात समझिए। जो आत्मा को देखता है, जो पश्यति अपानम, कैसे देखता है आत्मा को? 5 फीचर्स वाला, 5 क्वालिटीज वाला। अबद्ध पुट्ठ 1, अनन्यम 2, घबराओ मत बस आप डटे रहो, नियदम 3, अविशेषम 4, असंजुत्तम 5। 5 क्वालिटीज वाला देखता है। इसका अर्थ कर देता हूं मैं, जो आत्मा को देखता है वह शुद्ध नय है, जो आत्मा को दिखाता है वह शुद्ध नय है। कैसे आत्मा को दिखाता है? जो आत्मा को अबद्ध, अस्पृष्ट, एक पद चाहो तो 2 पद कर सकते, तो 6 बोल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा भाव आचार्यों का नहीं है, एक ही में गर्भित कर लिया। जो आत्मा को अबद्ध, अस्पृष्ट देखता है, 1, कैसा हूं मैं? अबद्ध, अस्पृष्ट, 1। 2, कैसा हूं मैं? अनन्य, 2। अनन्य मतलब अनन्य पद में हम चर्चा कर लेंगे। 3, कैसा हूं मैं? नियत। कैसा हूं मैं? अविशेष। कैसा हूं मैं? असंयुक्त। 5 बोल वाला। देखिए, समझते हैं आज हम प्रथम बोल को, अबद्ध स्पृष्ट, समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए, समझने का सब प्रयास करिए। संसारी जीव बंधन में है, संसार अवस्था बनाम बंधन। संसार अवस्था मतलब तीर्थंकर भी क्यों न हो, वे भी बंधे हैं, बंधे हैं। तीर्थंकर भी बंधे हैं, कैसे बंधे हैं वे? तीर्थंकर भी अभी कठपुतली है, कठपुतली। घबराओ मत, घबराओ मत, और सब बातों को पहचाना चाहिए, पहचाना चाहिए। जैसा रिमोट कंट्रोल चलेगा विहायो गति का, तीर्थंकर नाम कर्म का, वैसा वैसा उनको उतना गमन करना पड़ेगा, उतना बोलना पड़ेगा, उतना संसार में रहना पड़ेगा। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को?
उनके भी अघाती कर्म का अभी उदय है। वेदनीय आयु नाम गोत्र चार कर्मों का भी उदय है, उस संबंधी उनके औदयिक भाव भी है। कठपुतली होने पर भी, कर्मों की कठपुतली चौदहवें गुण स्थान में होने पर भी, जैसा अज्ञानी कठपुतली है वैसे ये नहीं है, वैसे ये नहीं है। ये कठपुतली होने पर भी विहार, उपदेश, उठना बैठना ये सब परवश होने पर भी, इस मामले में कठपुतली होने पर भी वे स्वयं को आत्मा ही देखते हैं, वे अन्य रूप नहीं देखते हैं, अपना सर्वस्व समर्पण आत्म वस्तु में ही किए हैं, ना ही विहार में, ना उठने बैठने में, और ना ही उपदेश में, और ना ही बाह्य तामझाम में, 42 गुणों में नहीं है एकत्व उनका। इस अपेक्षा उनको भगवान कहा जाता है। आगे बढ़ता हो, आगे बढ़ता हो। सामान्य कथन में जितने भी संसारी जीव है वे अभी बंधन में है। आप तो परीक्षा नाम का एक ग्रंथ है, आचार्य विद्यानंदी आचार्य की एक कृति है, 1000 वर्ष पहले लिखा हुआ यह ग्रंथ है, अमृत है यह अमृत, आप्त परीक्षा। उसके पहले पेज पर एक बात लिखी उन्होंने आप्त परीक्षा के, कहते हैं संसारी बंधवान आलान स्तंभागत हस्तिवत। एक उदाहरण दिया, समझाता हूँ ये क्या उदाहरण दे रही है। संसारी जीव बंधा है, और किस भांति बंधा है, जिस प्रकार मजबूत हाथी, एक हाथी का कितना वजन होता होगा, आई थिंक 10,000 किलो के करीबन कुछ जो भी होगा, 25,000 तक भी हो सकते हैं, हजारों किलो जिसका वजन है, 25,000 किलो जिसका वजन है, ऐसा हाथी एक खंभे के द्वारा बंधा गया है। यहाँ वहाँ भी मन चाहे तो सरक नहीं सकता इतना सा भी। एक उदाहरण, एक उदाहरण दो, संसारी जीव बंधा है कैसे, तो कहते हैं हीन स्थान परिग्रहवत श्रोत्रिय ब्राह्मण वत। दूसरा उदाहरण क्या, एक श्रोत्रिय ब्राह्मण था, श्रोत्रिय ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण जो बहुत पढ़ाकू हो, सब बातें जानता है, सब कंठस्थ है उसको, एक एक चीज जिसका पढ़ना और पढ़ना ही जीवन है, लेकिन एक दिन भूल चूक से गली में से गुजरा, ये तो छोटी सी भूल थी गली में से गुजरना, और बहुत बड़ी भूल ये कर बैठा, उसकी नियत बिगड़ गई। वेश्या के पास जो बैठा हुआ ये श्रोत्रिय ब्राह्मण है, श्रोत्रिय ब्राह्मण मतलब पढ़ाकू ब्राह्मण, यह भी कठपुतली बना है। कठपुतली किसका, वेश्या का कठपुतली बना है। इतना बड़ा विद्वान, हजारों की सभा डोलती है जिसके सामने, कठपुतली बना भी है वेश्या के सामने, जैसे नचा रही है वैसा नाच रहा है ये। ये दो उदाहरण दिए आचरण ये समझाने के लिए, संसारी जीव बंधन में है, जीव बद्ध भी है और जीव स्पष्ट भी है। इस बात को समझे, यदि जीव बंधा नहीं होता तो मुक्ति का उपाय हम सब क्यों करते फिर। इससे यह बात सिद्ध हुई कि जीव बंधन में है। एक बात यह, जीव स्पर्श भी करता है परद्रव्य को, क्या कहा, जीव परद्रव्य को स्पर्श भी करता है, जैसे जैसे बनारसी दास जी ने लिखा दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा में, चतुर्दश गुणस्थान अधिकार देखना चाहिए, उसमें लिखा है कि यह पुरुष या ब्रह्मचर्य प्रतिमा में होगा, यह पुरुष स्त्री को, अपनी स्त्री को, स्वस्त्री को स्पर्श भी नहीं करता। एक बात, यह क्यों लिखा, क्योंकि वो स्पर्श कर सकता है,
कर सकता है मतलब जीव कर सकता है, तभी तो लिख रहा है लेकिन ये नहीं करेगा क्योंकि इसकी मर्यादा बंध गई है। अभी आगे लाठी संहिता में पांडे राजमल जी कहते हैं कि पांचवी प्रतिमा वाला जीव, सचित त्याग प्रतिमा वाला, सचित वस्तु को स्पर्श भी नहीं करता, मतलब गलती से भूल चूक से चौथी प्रतिमा वाला जीव तक सचित को स्पर्श कर सकता है। अभी तक मैंने पूरा जोर इसमें लगाया है कि जीव बंधा भी है और जीव स्पष्ट भी है। ऐसा नहीं होता तो एक चटाई पर अपोजिट जेंडर वालों को बैठने का निषेध नहीं किया जाता। आप स्पर्श की बात करते हो लेकिन एक चटाई पर एक लड़का और एक लड़की नहीं बैठ सकते, यह हमारी मर्यादा है क्योंकि इसमें ब्रह्मचर्य की बाढ़ का घात होता है और बाढ़ टूटने पर सीधा आघात मूल धर्म पर आकर टकराता है। ये मैंने क्यों कहा इतना, ये बीच में बैरिकेड लगा यहाँ पर स्वाध्याय सभा में, इस तरफ बहने और इस तरफ भाई, जिससे किसी का किसी के साथ स्पर्श होने का कोई सवाल ही नहीं, स्पर्श नहीं करना चाहिए ये कहकर ये कहना चाहते कि स्पर्श संभव है, जीव बंधा भी है और स्पर्श भी करता है। ऐसी सत्यता होने पर भी, यह व्यवहारिक सत्यता होने पर भी, और एक उदाहरण कमल, आप लोगों ने देखा होगा कमल, कमल राष्ट्रीय फूल है, ये तो नेशनल है ना, ऐसा ही है ना जो मैं समझता हूँ। कमल को देखा होगा आपने गौर से, कमल कमल कहाँ पर रहता है वैसे कोई बताएगा? पानी में। शाबाश, मुझे ये उत्तर जरूरी था मिलना, इसलिए तो उसका नाम जलज है, सरोज है, अंबुज है, जितने भी नाम है, मैं पंकज नहीं कह रहा हूँ अभी क्योंकि पंकज कहूँगा तो आप ये कहेंगे ठीक है पंकज भी कह देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, नीरज कह सकता हूँ। ये सब कमल के नाम इसलिए है क्योंकि पानी में ही पैदाइश है उसकी, पानी में ही पैदा होता है वो। एक बात हम ये देख रहे हैं कि तो पानी में ही है डूबा रात दिन, आप ये बताइए मुझे वो पानी स्पर्श कर रहा है कि कमल को कर ही रहा है और क्या कर रहा है, जब पानी में ही है। हम कह रहे हैं जलज, जब नाम ही दिया जल में ही जो पैदा हुआ है, उदाहरण आचार्यों का है। आगे बढ़ता हो आचार्य देव कहते हैं लेकिन ऐसी आत्मा को नहीं देखना है, ऐसी आत्मा को नहीं देखना है, आत्मा तो बद्ध है स्पष्ट है। कह रहे चलो मेरे साथ, कहाँ? हाथी के पास। मैंने कभी कहा होगा आज फिर से, एक दिन की बात है, हम 7-8 जन घूमते घूमते थोड़े दूरी पर गए, वहां पर क्या देखते हैं हम, आश्चर्य होगा आपको, एक छोटा हाथी, छोटा हाथी बेबी एलिफेंट, उसको कसकर बांधा था पेड़ से, और एक फादर एलिफेंट जो उससे 10-20 गुना बड़ा हो गया था, उसको बिना बांधा छोड़ दिया था उन्होंने। Hey, what is this? हमने पूछा ये क्या बात है, ये छोटे को बांधा है बड़े को खुला क्यों रखा आपने? उस आदमी ने ये कहा संभालने वाले ने, क्योंकि ये कहीं भाग कर जाएगा नहीं, ये भाग कर जा सकता है छोटा वाला। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? बड़ा इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वो संस्कारित हो गया है, जब छोटा था तब उसको बांधे रखा जाता था और आज की यह हालत है, उसको इतने सालों के बंधन की ऐसी आदत हो गई, उसको बिना बांधे ही वो ये समझता है कि मैं बंधा हूँ। अथवा उसको हल्की रस्सी से भी बांध दो 10-20 रुपए की तो भी काम निकल आएगा, लेकिन उसको तो बच्चे को साकल से बांधना है क्योंकि 2-3 साल में जितना आजमाना है
उतना आजमा लेता है, फिर वो समझता है ये टूटती नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही खड़ा रहना पड़ता है। मैं इसको कहता हूँ द एलिफेंट गॉट कंडीशन्ड। क्या हुआ? वो बंधन में नहीं है, मैं बंधन में हूँ ऐसी भ्रांति में है। बंधन नहीं, बंधन के भ्रम में है, भ्रम में। नहीं तो आप सोचिएगा, जो हाथी की एक सूंड लगभग, मैं बहुत विशेषज्ञ तो नहीं हूं लेकिन मैं आपको थोड़ी जानकारी दे रहा हूं, लगभग 500 किलो, कितना, लगभग 500 किलो एक सूंड उठाने की सामर्थ्य रखती है। और आप सब जानते हैं जो इतना बड़ा वृक्ष भी एक झटके में तहस नहस कर सकता है पूरा जंगल भी, उसको ये रस्सी और ये खूंटी क्या बड़ी बात है, वो तो आराम से तोड़ सकता है। बंधन में कहना उपचार है। परमार्थ से देखो तो छूटा ही है, छूटा ही है। वो हाथी जो जो बंधा नहीं, उसका दिमाग में लो जरा, वो छूटा ही है, वो मानता बंधा हुआ है। आचार्य देव उदाहरण ये दे रहे हैं, पर्याय दृष्टि से देखो तो जीव बंधा भी है और स्पष्ट भी है, द्रव्य स्वरूप से देखो तो जीव ना ही बंधा है और ना ही स्पष्ट भी। वो जो ब्राह्मण है जो इशारों पर कठपुतली बन रहा है वेश्या का, आपको क्या लग रहा है वो पराधीन है कि स्वाधीन है? आपको क्या लग रहा है? पराधीनता भी उसने स्वाधीनता से ही अंगीकारी है। लादा लादी होती तो वेश्या आकर चौखट के बाहर आकर उसका हाथ पकड़कर उसको घसीटकर अंदर ले जाती, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। वेश्या अपना दरवाजा भी नहीं खोली थी, झरोकों में से देख रही थी और कुछ नहीं, बस देख ही रही थी। अब बावजूद इसके भी आप ये कहो कि ब्राह्मण परतंत्र है, इसको कैसे कोई मानेगा? आचार्यों के ही उदाहरणों को खड़ा करके मैं बंधन से मुक्त सिद्ध कर रहा हूं उदाहरण में भी। तीसरा उदाहरण हमने देखा था कमल का, कमल का। अभी एक काम करिएगा कमल के साथ, क्या गजब है, क्या गजब है। कुछ कुछ चीजें पानी से दूर रहती है लेकिन फिर भी पानीमय रहती है, और कुछ कुछ चीजें पानी में ही जीवन लगाने पर भी पानी से रहित होती है। थोड़ा समझो, थोड़ा समझो। आप देखिए, नमक आपकी कटोरी में है, आपके घर पर नमक पीस लिया आपने, आजकल के दिन है बरसात के दिन, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, थोड़ा नमक पीस लिया कटोरी में, क्या होगा उसका 10-20 मिनट बाद? वो तो पानी, पानी। देखिए वातावरण का पानी इसने खींच लिया, इस नमक ने खींच लिया ना, इसको केमिस्ट्री में इसको हाइग्रोस्कोपिक नेचर वगैरह जो भी कुछ कहते हैं। एक दूसरी बात देखिए, आप आपने देखा होगा इमली, देखी आपने इमली का पेड़? मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ इमली के पेड़ का। इमली का पेड़ एकदम बंजर स्थान में लगाया जाए, बंजर स्थान में, और उसको कभी पानी नहीं दिया जाए, आप कभी भी उसको सूखा हुआ नहीं देख सकते। इतना हरा भरा कैसे है ये पानी? इसको किसी ने पानी नहीं दिया, क्योंकि ये इमली जैसे नमक पानी सोखता है वैसे इमली भी पानी सोखती है। इसकी जड़ें मीटरों किलोमीटरें दौड़ दौड़ के पानी को संग्रहित करती है। आप समझ रहे हैं बात को? बात को समझिए, फिर मैं सिद्धांत बताऊंगा। जितना उदाहरण अच्छे से समझेंगे सिद्धांत उतना ही अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने क्या कहा? इमली पानी खींच लेता है। मैं इसके लिए हंसी मजाक में कभी कभी ये कहता हूँ, क्या इमली पानी नहीं खींचता? देखे ना, मैं अभी इमली का नाम ही ले रहा हूं, और क्या आपके मुंह में पानी नहीं आया? या और क्या प्रमाण चाहिए आपको कि इमली पानी नहीं खींचता? इमली का पेड़ कहीं भी देखिए आपको हरा भरा मिलेगा, वो पानी सोखता है, खींचता है।
उदाहरण मैं ये दे रहा हूं, जिसको कभी पानी नहीं दिया गया फिर भी पानी सोख रहा है वो। दूसरा उदाहरण लीजिए अभी कमल के पत्र का ही। कमल को एक काम करिए आप, कमल को धागे से बांध दिए, कमल को धागे से बांध दिए और एकदम नीचे ले जाइए तल में। जितना भी तालाब गहरा होगा, एकदम गहरे तालाब में डुबोए रखिए उसको। कितना दिन रखना चाहते हैं आप? रखिए 10-20-25 दिन, जितना आपका मन बने। फिर उसको आप छोड़ दीजिए धागे को। आप ये अनुभवेंगे, जिस समय में पत्ता आपने बाहर निकाला, पत्ते पर आपको एक बूंद भी नहीं दिखेगी। मैं ज़्यादा उलझना नहीं चाहता, कुछ केमिकल फेंकता है और इसलिए उस पर पानी नहीं टिक पाता आदि, जो भी कुछ होगा। दो स्थितियाँ हम देख रहे, दो स्थितियाँ। एक पानी से दूर रखो लेकिन फिर भी पानी सोखता है, एक पानी में डूबे रहो और फिर भी उस पर पानी चढ़ नहीं पाता। यही तो एक कमाल है, परिग्रहों में रहकर भी ज्ञानी पर उसका नशा नहीं चढ़ता, उसको अपना मानता नहीं। और यही तो एक आश्चर्य है, एक भिखारी को जितना मोह अपने कटोरे के प्रति हो सकता है, चक्रवर्ती को उतना भी मोह 6 खंड पर नहीं है। वस्तु कितनी बड़ी है इसका फर्क नहीं पड़ता है, वस्तु के प्रति कितना अटैचमेंट है उससे बहुत फर्क पड़ता है। वस्तु का बहुत कीमती होना जरूरी नहीं है दुख होने के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उसकी कीमत हमारे दिल में हो ये जरूरी है बस दुखी होने के लिए, और कीमत हमारे दिल में है ही नहीं उसके बारे में, तो कोई दुनिया की ताकत दुखी नहीं कर सकती। महंगा और सस्ते का कोई सौदा ही नहीं है यहाँ पर, अपने और पराए की कोई बात ही नहीं है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण ठीक है इससे काम चला लेते हैं। ये रुमाल यदि गुम हो जाए तो दुख किसको होगा, क्या लग रहा है आपको? बच्चा नहीं है, नहीं तो मैं बच्चे का उदाहरण दे देता यहाँ पर, बढ़िया। और बहुत टाइम होते हैं कभी बच्चे, तो मैं कह देता हूँ ये बच्चे के हाथ में जो रुमाल है और तो बच्चे के कपड़े है, ये गंदे हो जाए तो किसको ज़्यादा तकलीफ है? तो मैं कहता हूँ, लोग अक्सर ये कहते हैं जिसका रुमाल हो उसको दिक्कत है गुम हो जाए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे का रुमाल गुम हो गया, बच्चे को तो कुछ भी दिक्कत नहीं है उसको। बच्चे का कपड़े खराब हो रहे हो तो कीचड़ में ही खेल रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उसको है जिसको जितना अटैचमेंट है। उसकी माँ को दिक्कत है, कान वो पकड़ेगी कि वो बच्चे कैसे कपड़े है, क्या है ये रुमाल, कहाँ चला गया, रोज रोज देना पड़ता है। बच्चे को इसको कोई फिक्र ही नहीं है, तुम दो नहीं दो, तुम कैसे कपड़े दो। जिसको जिसके बारे में अटैचमेंट नहीं है उसको उसके बारे में ना सुख है ना दुख है। आप उसको कपड़े पहनाओ, बच्चे को मत पहनाओ, उसको कोई बात ही नहीं है। शर्म तुम्हें लगी, उसको नंगा किसी ने देखा बच्चे को, शर्म तुमको लगी, उसको तो नहीं लगी। जिसके मन में जो बात है, मैं लौकिक व्यवहार का निषेध नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ जिसने चोरी की है अथवा जिनकी दाढ़ी में तिनका है उसी ने चोरी की है। आप समझिए, मैं 2 स्लाइड्स हमेशा खड़ी करता हूँ। एक मुनि की स्लाइड खड़ी करिए, एक भाई ने बहुत अच्छा चित्र बनाकर भेजा मुझे, मैं किसी प्रवचन में सुनकर। स्लाइड तो 4 बनवाई थी मैंने तब। एक स्लाइड ये बनाई, एक आदमी घर में बैठा है और देख जंगल की ओर रहा है, एक मुनि है देख घर की तरफ रहा है। आप समझ रहे हैं बात को मेरी? देख रहा है मतलब जो पस्सदी। और ऐसे गृहस्थ को जो घर में रहकर भी घर के प्रति निर्मम हो गया है, निर्मोही हो गया है, वैरागी हो गया है, उसके लिए घर ही तपोवन है। गृहम तपोवनम, अमित गति आचार्य देव के शब्द है, उसके लिए घर ही तपोभूमि है। और जो जीव जंगल भी गया है, घर छोड़कर, घर बार छोड़कर, लेकिन एक बात छोड़ना तो भूल गया, गृहस्थपना छोड़ना यदि भूल जाता है
तो वह गृहस्थ ही है, परिग्रह से घिरा है वह अभी भी। एनीवे मैं तो बद्ध और अबद्ध का दो उदाहरण दिए, एक रात दिन पानी में डूबा है उस पर पानी नहीं छटता, और एक पानी से एकदम दूर और वह नमी ही नमी है, उसमें नमी ही नमी है। आचार्य देव उदाहरण ये दे रहे हैं कि जीव द्रव्य स्वरूप से विचार किया जाए तो ना बद्ध है न स्पृष्ट भी। टेक्निकल भाषा थोड़ी समझने का प्रयास करिए। बद्ध मतलब, अरे भैया पहले तो बद्ध और स्पृष्ट दो शब्द है, इसको क्यों रेखा आचरण है ये भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। स्पर्श एक शब्द है और बद्ध एक शब्द है। मयंक आर यू गेटिंग, दो शब्द क्या, स्पर्श और बद्ध। कभी स्पर्श भी हो सकता है और बंधन ना हो, ये भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप, जैसे आपको स्पर्श हो रहा है टेबल का लेकिन आप बंधे अनुभव कर रहे हो, नहीं अनुभव कर रहे हो, और कभी बंधन भी हो सकता है लेकिन स्पर्श ना हो, ऐसे भी हो सकता है। हाँ ऐसा भी हो सकता है, ताले बंद कमरे में डाल दो इसको, किसी ने स्पर्श नहीं किया लेकिन बंधा है। आचार्य देव का उदाहरण मैं थोड़ा खोल रहा हो, दो टर्म्स के प्रयोग करना जरूरी क्यों लगा आचार्य देव को, क्योंकि दोनों कैसे संभव है, बंधन है और स्पर्श नहीं हुआ है, जैसा अभी मैंने कमरे का उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण, स्पर्श है लेकिन बंधन नहीं है, लेकिन आचार्य देव ये कह रहे हैं जीव को इस प्रकार निहारो, जीव का वह अंश निहारो जिसमें ना बंधन दिखाई देता है ना स्पर्श दिखाई देता है, वह कौन सा अंश है, और ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप। और अभी तो आप कह रहे थे जीव बंधता है आदि आदि से, द्रव्य कर्म से बनता है और आठ कर्म का उदय, अभी तक तो आप कठपुतली कह रहे थे तीर्थंकर तक को। तीर्थंकर नाम कर्म की एक बेड़ी है, बेड़ी क्या कहा मैंने, बंधन है वो बंधन, अभी तक तो आप ऐसा कह रहे थे। देखो भैया बात को समझो, बंधन के दो अर्थ है, एक तो तादात्म्य संबंध और एक तो निमित्त नैमित्तिक संबंध। क्या क्या कहा भैया, तादात्म्य संबंध और एक निमित्त नैमित्तिक संबंध। टोडरमल जी को निश्चयभाषी का प्रकरण में देखना चाहिए, टोडरमल जी को और आगे भी प्रकरण को खोला है उन्होंने, मैं अभी आपको बताऊंगा पेज नंबर उसका भी। टोडरमल जी ये कह रहे ऐसा नहीं है, सॉरी निश्चयभाषी के एक प्रकरण में है और एक दूसरे अध्याय में कर्मबंध का प्रकरण, कहते जीव बंधा है मतलब क्या समझते हो तुम, जीव बंधा है मतलब किसी ने आकर पकड़ लिया है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। टोडरमल जी कहते हैं कि सफेद सोना होता है ना, सफेद सोना, व्हाट इज सफेद सोना, जिसमें चांदी मिलाई गई है सोने में, उसमें चांदी चांदी रूप है, सोने सोने रूप है, सोना चांदी रूप नहीं होता, चांदी सोने रूप नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जीव और कर्मों का संबंध है, उसमें जीव कर्म रूप नहीं होता, कर्म का एक भी परमाणु जीव के एक प्रदेश रूप नहीं होता, जीव का एक भी प्रदेश कर्म के एक भी परमाणु रूप नहीं होता, दोनों की भिन्न अपनी अपनी सत्ता है, कोई किसी रूप नहीं होता, तादात्म्य संबंध नहीं है उनका, तादात्म्य संबंध नहीं है, इसलिए जीव बंधा नहीं है। एक बात, जब भी बंधा कहा जाता है वहां पर अर्थ यह समझना चाहिए कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब जैसे दर्शनावरण का तीव्र उदय आया और यहां पर नींद आ गई, समझ में आ गया, मोहिनी का तीव्र उदय आ गया और थोड़ी ही बात में एकदम भभक उठा, भभकने के लिए बहुत बड़ा प्रसंग नहीं चाहिए, बात को समझिए, बहुत अच्छा मूड हो तो बड़े बड़े प्रसंगों को भी पचा जाता है, मजाकिया मूड में ले लेता है, और मूड यदि खराब हो जिसको लोक में कहते हैं एकदम छोटी सी बात को भी बहुत हो जाता है, उखड़ जाता है। एक अच्छा दोस्त है सालों का, उसने पीठ पर हाथ क्या फेर लिया, इसलिए लोक में भी कहते उसका मूड देख कर जाएंगे उसके पास, समझ में आया, क्या कहते लोक में, मूड देख कर, अभी उसका मूड खराब है,
मूड खराब है मतलब जो भी कुछ करोगे सब उथल पुथल ही करेगा, वो गड़बड़ करेगा, गड़बड़ करेगा। बात को आगे बढ़ाते हैं। जीव बंदा नहीं है मतलब द्रव्य कर्म के उदय में जीव स्वयं विपरीत परिणमन करता है, लेकिन बाध्य नहीं कर सकता कर्म जीव को परिणमित करने के लिए। आप समझ रहे हैं? फिर से द्रव्य कर्म के उदय में जीव स्वयं परिणमित होता है, इसको कहते निमित्त नैमित्तिक संबंध, लेकिन वो बाध्य नहीं कर सकता। फिर से कैसे बताओ जब कोई लड़का और लड़की भागकर चले जाते हैं, भागकर मतलब शादी, आप तो समझ ही गए होंगे। तो जब चले जाते हैं तो लड़की वालों के घर जाकर सुनिए, तो लड़की वाले कहते हैं, लड़के वाले ने, लड़का, हमारी लड़की तो बहुत सीधी साधी भोली भाली थी, बहुत सारे विशेषण नीचे देखकर चलती थी, फला फला, वो लड़के ने गड़बड़ कर दिया और हमारी लड़की को बहका कर लेके गया है। लेकिन जब ये पुलिस थाने पहुंचे रिपोर्ट लिखाने, तो सामने वाली भी पार्टी आई थी, वे ही रिपोर्ट लिखा के खाली हो गए थे। अभी हमारा लड़का इतना सज्जन था, कभी यहां वह आंख उठा कर नहीं देखता था। ये लड़की ने, दोनों दावा कर रहे हैं, मेरा यह प्रश्न है किसने किसको भगाया, क्या बात है। और यदि वो लड़का भगा तो उस लड़की को, तो उससे सुंदर और अच्छी लड़की उसी मोहल्ले में है। यदि वो लड़की लड़के को भगाती तो वो दो टकेगा आदमी उसको क्यों भगाती, फिर वो कलेक्टर उसी के बगल में रहते, कलेक्टर को ही भगाती। जहां पर दाव चल गया मतलब जिसको पच गई सो पच गई। आप समझ रहे बात को। कहने का तात्पर्य, कोई किसी को बांध नहीं सकता। हमारी मजबूरी, हमारी कमजोरी स्वयं हमको बंधवाती है, स्वयं दूसरों के सामने हाथ लेके जाती है, आओ मुझे हाथ कड़िया पहना दो। आप समझ रहे मेरी बात को। वस्तु व्यवस्था तो ऐसा ही कहती है। बात यहाँ पर यह चल रही है, जो जीव को ऐसा देखता है कि जीव समस्त बंधनों से मुक्त है, अर्थात अबद्ध है और अस्पृष्ट है, उस जीव को स्पर्श नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्पर्श करने के लिए उसमें स्पर्श गुण होना जरूरी है। स्पर्श केवल दो पुद्गल ही आपस में कर सकते हैं। जीव में स्पर्श गुण ही नहीं है। एक अमूर्तिक, एक मूर्तिक, दोनों बंध ही नहीं सकते। अरे बंधने की बात करते हो, छू ही नहीं सकते एक दूसरे को। और जो अभी आपने उदाहरण दिए थे, कौन से उदाहरण दिए थे मैंने स्पर्श के लिए, बोलिए। हाँ बोलिए। स्पर्श के लिए मैंने एक तो पांडे राजमल जी का उदाहरण दिया था, सचित त्याग प्रतिमा का, सचित को स्पर्श नहीं करता। एक उदाहरण दिया था बनारसी दास जी का, ब्रह्मचर्य संबंधी, वो स्त्री के स्पर्श का भी त्यागी है, मूल छंद में आया है, वहाँ पर तो लिखा। और आप तो कह रहे स्पर्श करना संभव ही नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा नहीं करना चाहिए, क्या बात है, क्या है मंदिर, ठीक है। हाँ बात को समझो। हाँ ऐसे क्यों कहा, देखिए निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझे, इसको भी, यह भी एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। परमार्थतः जिसको व्यवहार में कहते, एक आदमी कुछ चक रहा है, परमार्थतः शक्कर का दाना उठाया और जीभ पर रखा गया, परमार्थतः उस शक्कर को नहीं चखता है वो। आप एक बात समझ लीजिए, जीभ के विशिष्ट हिस्से पर वो शक्कर का दाना रखा गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। विशिष्ट मतलब टिप पर, टेस्टिंग बर्ड्स जहाँ होते हैं वहाँ पर रखा गया, और उसी समय जीव के ज्ञानावरण का रसना इंद्रिय संबंधी ज्ञानावरण का क्षयोपशम हुआ, और रसना इंद्रिय में भी लगाना पड़ेगा उस विशिष्ट स्वाद वाला। अब पकड़ रहे मेरी बात को, मति ज्ञान के कितने भेद है, मति ज्ञान के कितने भेद कहे, 336। अभी आप देखते रहना ये सब, मैं तो आपको भाव भाषणा के लिए कह रहा हूं। 336 भेद में मति ज्ञान के
जैसे ज्ञानावरण की पांच प्रकृतियां कही है मूल रूप से, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण की भी 336 भेद वाली प्रकृतियां भी खड़ी हो सकती है। तो अमुक प्रकृति का जैसे जैसे मीठा इस प्रकार का, अरे यहां से आ गया, यहां से भगवत तो यहां से आ गया चलो ठीक है आदमी तो नहीं आ रहे हैं अरे बंदर ही आ रहे हैं, आदमी को बुलाते बुलाते परेशान हो रहे हैं और बंदर को भगा रहे फिर भी आ रहे हैं आगे बढ़ते कहाँ तक आए, हाँ 336। मैं ये कह रहा हूँ उसी समय में जीव के, मैं साइंस बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा क्या प्रोसेस होता है। आपको लगता है कि शक्कर खाई और मीठे का अनुभव हुआ, ये तो बात सही लग रही है आपको, लेकिन जो आप आगे बढ़कर ये बोल जाते हो कि मैंने शक्कर को चखा, ये बात गलत बोलते हो। ये बात सही है जब शक्कर जीभ पर आई तब आपको मिठास का अनुभव हुआ, लेकिन आपको जो मिठास का अनुभव हुआ वो शक्कर के कारण नहीं हुआ है, यकीन मानना। कैसे बोल रहे हैं आप, ये कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि जिस समय में शक्कर का दाना जीभ पर आया उसी समय में ज्ञानावरण का, कौन से ज्ञानावरण का, इंद्रिय संबंधी, इसलिए मति ज्ञानावरण। मति ज्ञानावरण में भी रसना, रसना में भी रसना के कितने भेद कहे हैं, पांच, खट्टा मीठा। तो इतनी सारी प्रकृतियां, असंख्यात लोक प्रमाण प्रकृतियां हैं, 148 प्रकृतियां तो स्थूल रूप से हम देखते हैं। ऐसा वर्गीकरण करते जाइए तो अमुक स्वाद संबंधी अमुक इंद्रियावरण का, जैसे मिठास संबंधी रसने इंद्रिय का, रसने इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम हुआ, इसलिए मिठास का ज्ञान हुआ। और हुआ क्या, वो समय भेद नहीं था उसमें, इत्तफाक ये है यहाँ पर शक्कर आई और यहाँ पर क्षयोपशम हुआ, तो ऐसा लगता है कि मैंने शक्कर को चखा। परमार्थतः ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके लिए मैं बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, थोड़े दिन पहले दिया था लेकिन आप लोग नहीं थे, फिर से एक बार देता हूँ। मैं तीन बातें कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सामने शेर खड़ा है, ये बात सत्य है। जो सामने खड़ा है शेर के, हिरणी, उसको भय उत्पन्न हुआ है, ये भी बात सत्य है। दो, लेकिन शेर के कारण हिरणी को भय उत्पन्न हुआ है, ये बात परम असत्य है। फिर से शेर खड़ा है, ये बात सत्य, हिरणी भयभीत है, ये भी बात सत्य है, लेकिन शेर के कारण हिरणी भयभीत है, ये बात परम असत्य है। दोनों का कथन करना तो वस्तु का स्वरूप है, लेकिन परस्पर कारण कार्य हमने देखा, ये महाझूठ है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी प्रसंग हो सकता है कि शेर के सामने हिरणी को भय से रहित देखा जा सकता है। वो कब, मैं हमेशा कहता हूं, वो कब, प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। ये हिरणी जो कल दुम दबाकर भाग रही थी, आज ये हिरणी सामने खड़ी है जांग ठोक कर। क्यों खड़ी है आज ये? बच्चे को हाथ नहीं लगाने दूंगी। मैं कहता हूँ शेर भी है हिरणी भी है, वो भय कहाँ है? शेर के कारण भय होता है, ये बात गलत है। समझ में आ रहा है? शेर के हयाती में वो बकरी हिरणी स्वयं भय रूप परिणमित हो तो हो, उसकी स्वाधीन योग्यता है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? बढ़िया परिभाषा हमने पढ़ी है ज्ञानावरण की। क्या परिभाषा कोई बताएगा? भागों में वितराग विज्ञान भाग एक पाठ पांच कर्म, गुड। ज्ञानावरण की क्या परिभाषा है? और ऐसी परिभाषा आपको कहीं देखने नहीं मिलेगी।
मैं एक परिभाषा आपको बताता हूँ जो गोपाल दास जी ने लिखी। गोपाल दास जी ने ग्रंथ लिखा, जानते होंगे आप, जैन सिद्धांत प्रवेशिका। उसमें ज्ञान आवरण की क्या परिभाषा करते हैं, जो कर्म ज्ञान को, ज्ञान के विकास को ढकता है, रोकता है, उसे ज्ञान आवरण कहते हैं। हमारे भागों में ऐसी परिभाषाएं नहीं है। मंगलायतन से छपी अपनी मंगल प्रज्ञा देखिए, अथवा जयपुर से छपे वितरक विज्ञान का भाग देखिए, जो मैंने कहा, कहीं भी देखिए क्या परिभाषा है उसकी, बोलिए। जब जीव अपने ज्ञान का स्वयं ही घात करता है, उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त है, ऐसी परिभाषा क्यों बनाई आपने इतनी कॉम्प्लिकेटेड, और ये कहाँ लिखा है ये सब बातें, आप समझ रहे हैं बात को। मोहनी की परिभाषा क्या है, मोहनी की परिभाषा गोपाल दास जी क्या कहते हैं, जो जीव को मिथ्यात्व अथवा अस्थिरता देता है, अथवा जिसके निमित्त से जीव को मिथ्यात्व अथवा अस्थिरता होती है, उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। भाग में क्या पढ़ा, जब जीव स्वयं को भूलकर स्वरूपाचरण में असावधान रहता है, उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त है, उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। क्या फर्क नजर आ रहा है आपको, फर्क यह बात का है, जो जीव को बंधा कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसमें स्वाधीनता देखनी है आपको। जीव को कोई भी बांध नहीं सकता, ऐसा उसका स्वभाव है, नेचर है, नेचर। और पर्याय का भी जो बंधन है, द्रव्य स्वभाव में तो बंधन वो संभव ही नहीं, ना तादात्म्य संबंध, ना निमित्त नैमित्तिक संबंध। और पर्याय में भी तादात्म्य तो संबंध नहीं, निमित्त नैमित्तिक ही संबंध है, और निमित्त नैमित्तिक मतलब अकर्ता, पर द्रव्य अकर्ता। और स्पर्श की मैंने अभी बात कही, स्पर्श का मैंने कच्चा चिट्ठा खोला, वो कैसे खोला मैंने, जीभ पर कुछ बात आई ऐसा आपको सर्वत्र लगाना चाहिए। जैसे आपके सामने ये लाल रंग आया, खरे खर इसके कारण आपको लालिमान ज्ञान गोचर नहीं हो रही है, आपको इसी समय, मयंक मानते हो इस बात को, आपको अटपटा तो लग रहा होगा, मैं आपको हेतु देकर अभी बताऊंगा। आपको ये इस लालिमा के कारण आपको लाल का ज्ञान नहीं हुआ, आपको लाल का ज्ञान हुआ है, यह बात सत्य एक, ये ग्रंथ लाल है यह भी बात सत्य दो, लेकिन इस ग्रंथ की लालिमा के कारण आपको लालिमा का ज्ञान हुआ है, यह बात परम सत्य। हाउ इज दैट, क्योंकि आपको लाल चक्षुनिंद्रिय मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम हुआ, क्योंकि इस लालिमा से यदि लाल का ज्ञान होता, अब जानते हो कलर ब्लाइंडनेस होती है, जानते कलर ब्लाइंडनेस, और उसमें आदमी कुछ भी दिखाओ उसको। मेरा एक दोस्त है बहुत कम उम्र का, 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कलर ब्लाइंडनेस है उसको, वो किसी भी चीज़ को आप उसको दिखाइए, वो ब्लैक एंड वाइट ही देखता है उसको, ब्लैक एंड वाइट, दूसरा कलर देख ही नहीं सकता। इससे क्या तय हुई बात, इससे ज्ञान नहीं हुआ। और एक विद्वान है जिनका मैं उदाहरण देता हूँ हमेशा, एक बीना के विद्वान है, एक बार वे बोले मुझे कि मेरे भोजन में ने मुझे बोले मुझे नमक का स्वाद ही नहीं आता। मैंने कहा यार तुम विद्वान हुए हो, तुम काय की बात करते हो। बोले नहीं नहीं, मैं रसना इंद्रिय की लोलुपता की बात नहीं कर रहा हूँ, इतना भी कोई नमक डाले मेरे भोजन में मुझे पता नहीं चल सकता, तो मेरा स्वास्थ्य चला जाएगा ना। क्यों, उनके टेस्टिंग बर्ड्स ही वर्क नहीं करते, उनको नमक का सेंसेशन नहीं होता। इससे बात तय हुई कि जीप पर कुछ रखो और उसका ज्ञान हुआ, ऐसा तो नहीं होता। और फिर आपका उपयोग वहाँ होना जरूरी है, आप खा रहे हैं और कड़वा है कि मीठा यही पता नहीं, और उपयोग आपका जहाँ है उसी का ज्ञान आपको हो रहा है, जो बारात सामने से निकल रही है,
सामने वाला क्या कह रहा है वो भी आपको उपयोग में नहीं है। अरे हम इतनी बात कह गए, नहीं साहब हम सुन नहीं पाए, आप फिर से बोलिए। अब बोल रहे थे, हमने सुन नहीं पाए। ज्ञान होता है वो अपनी स्वतंत्र योग्यता से होता है। मैं इतना कहकर क्या कहना चाहता हूँ, जीव को कोई भी पदार्थ स्पर्श नहीं कर सकता। पर्याय में भी जो ज्ञान होता है वो क्षोभक्षम से होता है, और द्रव्य स्वभाव में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। द्रव्य स्वभाव देखिए तो ना ही द्रव्य स्वभाव में बंधन है और ना ही स्पर्श भी। आज हमने पहला बोल देखा जो जिसने ये बताया कि जीव अबद्ध और अपुट्ठ है। थोड़ी सी चार लाइन टीका की पढ़ लेते हैं। टीका में आइए जल्दी, गाथार्थ पढ़ के टीका की 5-6 लाइन पढ़ता हो, फिर कल जो नए आत्मा को बंद रहित और पर के स्पर्श रहित, चलो इतना ही पढ़ लेता हो, मतलब गाथार्थ भी पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। जो नए आत्मा को बंद रहित और पर के स्पर्श रहित देखता है उसे हे शिष्य तू शुद्ध नए जान। शुद्ध नए ऐसी आत्मा दिखाता है जिसमें ना बंधन है ना स्पर्श है। टीका, निश्चय से अबद्ध अस्पृष्ट ऐसे आत्मा की, मैं मेरे मुद्दे की बात पढ़ रहा हूं, ऐसे आत्मा की अनुभूति शुद्ध नए है और अनुभूति आत्मा ही है। फिर अभेद कथन आ गया, जैसे पूर्व में सम्यक दर्शन आत्मा कहा था, इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है। यह शिष्य पूछता है कि जैसे ऊपर कहा है वैसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है, क्योंकि दुनिया वालों को परिचित स्पर्श वाला और बंधने वाला आत्मा है, और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आत्मा बंधता नहीं, स्पर्श नहीं होता। यकीन मानना, आप किसी ने आपको धक्का दिया है जोर से, यकीन मानना आत्मा को कुछ भी नहीं हुआ है। जितना आपको गर्मी का, जैसे किसी ने चटका दे दिया और अपन उसको गुस्सा कर गए, अरे उसने चटका नहीं दिया है, आप यकीन मानो। ज्ञानावरण का क्षोभक्षम ऐसा अभी होना ही था, पर्याय में वो भी द्रव्य स्वभाव में नहीं। पूछता है जैसा ऊपर कहा है वैसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है, उसका समाधान यह है बद्ध स्पृष्ट आदि भाव अभूतार्थ है, इसलिए यह अनुभूति हो सकती है। इस बात को दृष्टांत से प्रकट करते हैं, जैसे कमलिनी पत्र जल में डूबा हुआ हो तो उसका जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना सत्यार्थ है, तथापि जल से किंचित मात्र भी न स्पर्शित होने योग्य कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है। समझ में आ रहा है आपको? आपको आप ऐसा अंश देखिए जिसमें कुछ आता ही नहीं पर का। जैसे मैं कल उदाहरण दे रहा था, हरिजन छू गया हमको और हम अशुद्ध हो गए, मतलब ये अशुद्धि कौन सी है? ये आप समझ रहे हैं मेरे बात को? तो ये तो एक पर्याय की तरफ से ज्ञान कराया जा रहा है, द्रव्य स्वभाव की तरफ से देखिए तो बंध और स्पर्श ऐसा कुछ भी नहीं होता। जल से किंचित मात्र भी न स्पर्शित होने योग्य कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार अनादिकाल से बंधे हुए आत्मा का पुद्गल कर्मों से बंधने स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद्ध स्पृष्टता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पृष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। आज एक पद देखा हमने, अबद्ध अस्पृष्ट, स्वयं को अबद्ध स्पृष्ट देखना। अगली गाथा को कनेक्ट करके बात करूँ तो यह जैन शासन है, यह जैन दर्शन है। मेरा परद्रव्य से बंधन नहीं होता और परद्रव्य का मेरा स्पर्श नहीं होता। कल